अपने पैर दुखा रहा है। ला पैर दुखाए छो बुआ कहाँ पर दुखाए छो कहाँ पर इन्ने किन्ने से आए बुआ के दवाई देखियो ना लवली के पापा लवली के तीन दिन से दस्त ठीक ना होइ छै की करिए दवाई तो दे रहा लिए लेकिन तैयो एकरा ठीक ना होइ छै त की करिए किरण दीदी किरण दीदी घरे हतियै आउ ना दीदी आउ ना घर ही हतियै आउ ना नमस्ते भैया नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी हाँ किरण दीदी बउआ के की हो गेल हाँ देखियो ना दीदी तीन दिन से बीमार है दस्त हो दवाई दिलिये तैयो ना ठीक हो गए दीदी बउआ कहाँ जा रहा है फिर से शौच करे बाहर जाए छे और कहाँ जाए छे शौच करने बाहर जाइया अहाँ के घर में शौचालय ना है नहीं तो अब समझ गई दीदी बउआ के दस्त के कारण पता चल गया क्या दीदी रुको दीदी रूबी दीदी के बुला दे छी उ अच्छा से अहाँ के समझा देते ओहे दीदी ना जे रूबी दीदी जे घर घर जाकर शौचालय के काम देखे छी हाँ वही रुकिए उनको फोन करके बुला रहे हेलो नमस्ते दीदी नमस्ते भैया नमस्ते दीदी आओ आओ कल दीदी अहाँ तुरंत हमरा काहे ला बोललिए है किरण दीदी के यहाँ और ये भी बतलिए है कि बउआ के तबीयत खराब है हाँ दीदी किरण दीदी के बउआ को दस्त हो गया है अच्छा दीदी अभी बउआ कहाँ गए दीदी सोच करे बाहर गेले है बाहर दीदी हाँ दीदी हम सब सोच करे के लिए बाहर ही जा छी हमरा घर में शौचालय न है हाँ दीदी समझलिए दीदी मुन्नी के दस्त के एक कारण खुला में शौच करे के है कैसे बोलत छे दीदी ऐसा कहीं भेलई है हाँ दीदी खुले में शौच करे से आधी बीमारी हो छे तो कैसे दीदी हमरा समझावे तब ना हाँ दीदी हमरो तनी समझा देबे दीदी बाहर जो खुला में शौच करे जाए छे तो ऊपर जो कीटाणु होइ छे उ आके ना हमरा खाना में मिल जाए छे ओहे खाना जे हम सब खा छे ना दीदी तो ओहे कीटाणु हमरा शरीर में चल जाए छे कैसे दीदी मल जे होइ छे उ चार मुख्य रास्ता से हमरा शरीर के अंदर जाए छे कौन सा रास्ते से दीदी बाहर जो मल होइ छे ओहि पर कीटाणु होइ छे आ उ कीटाणु मक्खिया के भोजन है ओहे मक्खी आके जब हमरा खाना पर बैठे छे आ जब हम खाना खा छी है तो ओकरे जरिए जे है कीटाणु हमरा शरीर के अंदर चल जाए छे है कि जब बगैर साबुन से हाथ धोले अगर खाना खबै तो उंगली में जो लगल मल होइ छै वो जो है से भोजन के जरिए फिर हमरा शरीर में चल जेतै दूसरा दीदी बाहर जे शौच करे जा छियै ओहि पर जे कीटाणु होइ छै ओ साग सब्जी पर भी बैठे छै आ ओकरा न धोय से आ खा लै छियै तो उसकरा जरिए भी कीटाणु हमरा शरीर के अंदर जाइ छै और तो नंगे पैर खेत में जब काम करै छियै से पैदा हुए कृमि के कीड़े जे हमरा पैर से होते हुए हमरा शरीर के अंदर जाय छै और उ हमर खून चुसै छै जब हमरा शरीर में खून कमिए कम जतै त हम त बीमार पड़बे न करबै हाँ दीदी चौथा दीदी जब तालाब के किनारे शौच करै छै तो ओमे के जे मल होइ छै वो बहकर तालाब में मिल जाय छै एही तालाब के पानी जब हम रोज के काम में लावै छियै जैसे खाना बनावे में पानी पिए में तो ओकरा जरिए भी कीटाणु हमरा शरीर के अंदर चल जाय छै और जोंडिस टाइफाइड दस्त जैसे हानिकारक बीमारी फैलै छै
जाने छी दीदी, साल में दस्त से करीब 1,00,000 बच्चा के मृत्यु हो जाए छे। सच में दीदी? हाँ दीदी, यहाँ तो जाना छे कि बच्चा जे बार बार बीमार पड़े से कमजोर हो जाता है, और सही से यहाँ ध्यान न दिलाए तो बच्चा अति कुपोषित भी हो सकता है। हाँ दीदी, यहाँ के पता है ना कि जो बच्चा अति कुपोषित हो छे वो बच्चा में 9 गुना अधिक मृत्यु की संभावना हो छे। 9 गुना दीदी। अहाँ तो देख लिए है ना कि बाबू अहाँ के हाथ बगैर धोले पानी पिले है, तो वह से अति सारा बीमारी होले। दीदी, यहाँ के जो चापाकल है, वो चापाकल के निकट कितना गंदा है, वह गंदगी पानी के अंदर जाकर वो पानी के दूषित कर दिल। ऊपर से दीदी यहाँ गंदे हाथे पानी पिए छे, तो अहाँ तो बीमार पड़बे ना करब। हाँ दीदी, और तो और अहाँ सब घर के पास जो गंदगी है वह से तो बीमारी फैलबे ना करे छे। हाँ दीदी, अपने जितना बतलिए उतना तो हम कभी सोचबो ना करिए, तभी तो बार बार हमारे बेटी बीमार पड़े छे, दवाई पर बहुत रुपया खर्चा हो गया। हाँ भैया, अस्वच्छता से बहुत सारा बीमारी हो छे, जेके कारण बच्चे बार बार बीमार पड़े छे। यही कारण है कि बच्चा के सही से विकास न हो पाए और बच्चा से बच्चा पीछे हो जाए। ऊपर से बीमारी आर्थिक नुकसान भी करे छे, डॉक्टर का फीस, दवाई का खर्च और मजदूरी का नुकसान, ये जो है आदमी को गरीब बना दे छे। हाँ दीदी, अपने सही कहलिए। और इतना ही ना दीदी, खुले में शौच करे से सांप और अन्य जहरीले जंतु से हमरा जान के खतरा भी हो सकल। और तो दीदी, महिलाओं के लिए कितना ये शर्मनाक बात है कि रात के अंधेरा में उन्हें उनका शौच करे जाए के पड़े छे, क्योंकि कितना खतरनाक बात है। हाँ दीदी, हमरा तो शर्मो लगे छे और रात में डर भी लगे छे, लेकिन हमरा कोई उपायो न है। हाँ दीदी भैया, अस्वच्छता कोई एक व्यक्ति या कोई एक वर्ग के मुद्दा न है, ये पूरा समाज से जुड़ल है, एकर समाधान पूरा समाज के मिलकर करे के होता है। अगर हमरा स्वच्छ रहे के है तो पहले हमरा घर के आसपास के गंदगी के साफ करे के होता है, और निजी स्वच्छता पर भी ध्यान रखे के होता है। जैसे शौच के बाद साबुन से अच्छा से हाथ धो के होइ छै, वैसे खाना से पहले साग सब्जी के अच्छा से धो के पड़ता है। खुले में शौच करे के हानिकारक समस्या से बचे के लेल हमेशा शौचालय का प्रयोग करे के चाहिए। शौचालय बनावे से अपना सम्मान बढ़ते और समाज के भी सम्मान बढ़ते, और तब पूरा समाज स्वस्थ रहते। भाभी अहाँ यहाँ हती है? हाँ ना दीदी, अंदर जाओ। देखियो दीदी, ये हमारे ननद हती, आ यहो अपना गांव में CRP हती। हाँ दीदी, अहें के बात सुनैत रही रह। हमारा गांव में सभे लोग शौचालय बनवलखिन, और हमारा गांव के निर्मल गांव के पुरस्कार मिल रही। गाँव में साफ सुथरा बहुत रहे छै, आ बच्चा सके तबियत बहुत कम खराब हो। परिवार में 5 आदमी हती, और जीविका के द्वारा शौचालय 1 महीना पहले बनैली। आलू के दाम बढ़ गेलै, ओकरा में हम सब दीदी विचार कलिए कि बालू के दाम बढ़ गेलै तो कैसू तो शौचालय बनाभी के ना है। ऐसे दीदी तो हर दिन में तो देखियो तो 650 तक खर्च होते रहे छै, है ना। तब हमू सब सोचलिए कि अब 150 के जगह में 600 रुपया और में डाल दिले तो अच्छा के बात है। अब पहले रहे कि बच्चा सब जे शौच करे जैसे बाहर निकल के जाए, अब ये हो गए बरसात के मौसम होते तो अब तो शौचालय बनलिए तो वही में न जते बाल बच्चा सब। हम सब बहुत खुश हती कि
अपना घर में शौचालय हो गए, बाहर न शौच करे जाए, बहुत ही अच्छा है, बहुत खुश हती। हमरा बाहर भीतर जाए में बहुत परेशानी रहे, दरद से देह हाथ एकदम बेखबर, तो हमरा खेत पथार में माने ले जात रहलन हँ, लबैत रहलन हँ। आ अभी शौचालय बन गए तो हमरा अब हिनका हमरा जान से छुटकारा हो गए, तब अब तो हम अपने में शौचालय में चल जाए आ चल आए। तो पानी भेल तो खेत पथार भर गए तो जाए में बड़ा दिक्कत रहलक रह, आब शौचालय बन गए तो अब तो वह में जते तब तक दिक्कत न होते, लाठी धक चलैले पीढ़िया धक चलैले तो बाहर जाए में बहुत दिक्कत रहल, आ बन गए तो अब तक दिक्कत नानू न होते, तो वह में जते बनने से हम बहुत खुश हैं, हमको इससे बहुत परेशानी था, इसलिए अब हम कहीं भी जाकर कमा सकते हैं। बाहर शौचालय करने जाते हैं तो शर्म भी आता है, जैसे कुछ साफ उप ये सब का भी डर रहता है, रात अगर रात में निकलते हैं तो जंगल में जाने में भी थोड़ा सा डर लगता है, अगर घर के बगल में बाथरूम रहता है तो उसमें कुछ डर नहीं रहता है।